वेलकम बैक टू एसएस कोचिंग। तो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं हम आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो जो यहाँ पर हम आज आपसे बात करने वाले हैं, वो करेंगे एक नए रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि आपकी दिल्ली में वैकेंसी आई है और आप यहाँ पर लिखा हुआ भी देख रहे होंगे, NDMC यानी नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। तो सारे फैक्ट जानने के लिए और क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्या एज है, क्या फीस है, सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखें और वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहे। इससे होगा क्या कि आपकी सारी जो क्वेरी होंगी इस नोटिफिकेशन से लेकर, वो आपकी सारी इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जैसे हम बात कर रहे हैं NDMC के बारे में, तो चलिए पहले इसकी बात कर लेते हैं कि इसमें टोटल जो वैकेंसी है वो कितनी है। टोटल यहाँ जो वैकेंसी है, वैकेंसी ज़्यादा नहीं है पर इतनी कम भी नहीं है। तो वैकेंसी की अगर बात कर ले तो वैकेंसी यहाँ पर है 16। जी हाँ फ्रेंड, 16 वैकेंसी है और काफ़ी अच्छा चांस है यहाँ पर आपका क्या बनने का। पोस्ट का नाम सुनिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। पोस्ट का नाम है यहाँ पर सेक्शन ऑफिसर। तो जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका काफ़ी अच्छा चांस है सेक्शन ऑफिसर बनने का, जो कि हम सेक्शन ऑफिसर बनने के बहुत सपने देखते हैं। वो ज़रूरी नहीं कि SSC CGL से ही पूरा किया जा सके, वो हम यहाँ से भी पूरा कर सकते हैं। तो वीडियो को अब आखिरी तक देखिएगा और सारी डिटेल के बारे में बात करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे होगा क्या कि जो भी हमारी अपकमिंग नोटिफिकेशंस की वीडियोज़ आती हैं वो आप तक इमीडिएटली पहुँच सके। तो चलिए यहाँ पर जो बात करते हैं पूरी डिटेल में करेंगे। तो पोस्ट का नाम हमने यहाँ पर आपको बता ही दिया है, पोस्ट का नाम है सेक्शन ऑफिसर। और आपको अच्छी तरह पता है जब बड़ी वैकेंसी आती है, बड़ी पोस्ट की वैकेंसी आती है, तो वो कम ही वैकेंसी होती है, इसलिए यहाँ पर ये 16 वैकेंसी है। तो इसके अंदर 16 वैकेंसी आई हुई हैं। अगर पे स्केल की बात कर ले तो जैसे आपने देखा है कि सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है तो पे स्केल छोटा तो रहने वाला नहीं है। तो इसका पे स्केल जो रहेगा 9300 से 34800 का इसका पे स्केल रहेगा। अगर एज लिमिट की बात कर ले तो यहाँ पर 27 इसकी एज लिमिट है। और अगर जॉब लोकेशन की बात कर ले, जिसका आपको इन बहुत देर से इंतज़ार होगा जब से मैंने वीडियो शुरू किया है कि जॉब लोकेशन क्या है, तो जी फ्रेंड्स, इसकी जॉब लोकेशन है दिल्ली, जो कि हर कोई चाहता है दिल्ली में आना। तो इसकी यहाँ पर जॉब लोकेशन है दिल्ली। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन की। इसे थोड़ा सा हम मिटा देते हैं जिससे कि क्वालिफ़िकेशन के बारे में भी यहाँ ठीक से हम लिख सके। तो क्वालिफ़िकेशन की अगर हम यहाँ पर बात कर ले तो क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर जो है, इन्होंने डिग्री मांगी हुई है BSc से, डिग्री होनी चाहिए BSc से। और BSc में जो आपका होना चाहिए वो एग्रीकल्चर से होना चाहिए, या तो आपकी डिग्री हो एग्रीकल्चर से या फिर BSc में एग्रीकल्चर से आपकी डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास डिग्री में साइंस हो और साइंस के साथ बॉटनी हो आपके पास, ठीक है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो अभी तक हमने क्या बता दिया, पोस्ट का नाम और कितनी यहाँ पर वैकेंसी है और क्या इसकी क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है, क्या एज लिमिट है और क्या यहाँ पर इसकी जॉब लोकेशन है। अब अगर हम यहाँ पर बात कर ले तो फ्रेंड्स, फीस की बात कर लेते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। फीस की बात अगर कर ले तो 400 रुपये यहाँ पर फीस जाएगी जनरल और OBC की, और 200 रुपीज़ यहाँ पर जो फीस जाने वाली है वो जाने वाली है SC ST वालों की। तो यहाँ पर ये फीस की बात कर ली, तो स्टार्टिंग अगर इसकी हम डेट देख ले, स्टार्टिंग डेट एप्लीकेशन की अप्लाई करने की है वो है 6 अक्टूबर 2018, और जो इसकी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने की फॉर्म की वो है 20 अक्टूबर 2018। तो फ्रेंड्स, ये आप याद रख ले कि इसका कोई अदर मोड नहीं है, ये ऑनलाइन ही अप्लाई किया जाएगा।
ऑफलाइन ये अप्लाई नहीं किया जाने वाला है फॉर्म, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे सेलेक्शन प्रोसेस की, और जो बात करेंगे किस में कितनी वैकेंसी है, तो इसे थोड़ा सा यहाँ पे हम रफ़ कर देते हैं जिससे कि हमारे पास फिर से स्पेस बन जाए दोबारा से बात करने का। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर आपका जो होगा पहले रिटर्न एग्ज़ाम होने वाला है फ्रेंड्स, और रिटर्न एग्ज़ाम के बाद ये इंटरव्यू भी ले सकते हैं या फिर डायरेक्ट मेरिट बना सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर अगर हम बात कर ले कि इसमें कितनी वैकेंसी है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये भी सबको पता होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर हम बात कर ले तो जनरल की 9 है, और ओबीसी की 4 है, एससी की 2 है, और एसटी की 1 है। तो यहाँ आप अगर टोटल वैकेंसी देखेंगे तो ये 16 हो गई है, 16 वैकेंसी हो गई है, पर ये तो टोटल 16 हो गई है, दो वैकेंसी और है जो कि ये 16 वैकेंसी टोटल हो गई। दो वैकेंसी यहाँ की जो जनरल से निकल के आती हैं वो है फिज़िकल हैंडीकैप की एक वैकेंसी, और एक है एक्स सर्विस मैन की। तो जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर एक्स सर्विस मैन की भी वैकेंसी आपकी दी हुई है। तो ये वैकेंसी आपकी किस में आई है, नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में ये आपकी वैकेंसी आई है, ये इसलिए रख लिख दिया हमने, आप इसे आप ध्यान रहेगा आपके। तो इसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके इसका नोटिफिकेशन पूरा पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं, या फिर आप फ्री जॉब अलर्ट्स में जाएंगे, और फ्री जॉब अलर्ट्स में जाने के बाद फ्रेंड्स आपका एक दिल्ली का सेक्शन आता है, आप वहाँ पर भी जा सकते हैं, और वहाँ से आपको ईजिली ये मिल जाएगा इसका नोटिफिकेशन और अप्लाई करने का लिंक। तो बस यही इस वैकेंसी में हमें पूरी बात बतानी थी आपको, और जितनी भी आपके लिए काम की चीज़ थी वो हमने सब इस वीडियो में आपको कवर किया है। अगर आपकी कोई क्वेरी है या इससे कुछ समझ में नहीं आता या कुछ आपके मन में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं प्लीज़, वो बच्चे दूर रहें जो गाली गलौज करते हैं और फालतू के कमेंट करते हैं। इससे क्या होता है कि जिन्हें कमेंट में सच में नीड होती है उनके भी कमेंट फिर पढ़ने का दिल नहीं करता है, और उन बच्चों को जो पूछना होता है फिर उसका जवाब नहीं दिया जाता है कि फिर उल्टे सीधे कमेंट आने लगते हैं। तो जो पॉसिबल हो सके ज़्यादा ज़्यादा बच्चे कमेंट करें, और आपको अगर क्वेरी है और अब वीडियो कैसी लगी वो भी आप बताएं, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, और ऐसी अपडेट लेते रहने के लिए कि कौन सी वैकेंसी कब आ रही है और क्या उसका मैटर है, क्या उसका प्रोसेस है, ये सब जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यही कहते हुए थैंक यू फॉर वॉचिंग।